हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 14 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्टेनिंग टू एमपीपीएससी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पावर प्लांट इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज काकरा पारा विच इज इन राजस्थान। ये गलत तरीके से मैच किया गया है। काकरा पारा राजस्थान में नहीं है, काकरा पारा इज सिचुएटेड इन गुजरात। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये याद कर लीजिए क्योंकि ये आपसे इंडिविजुअली भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको बताया जा सकता है कि कालपक्कम कहाँ पे है, तो आपको बताना है तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए नरोरा कहाँ पे है, तो इसका आंसर है यूपी। नरोरा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता सकते हैं कि ये नरोरा जो है वो गंगा रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, और इसको अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये बिलोंग करता है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। काकरापारा इज इन गुजरात, वेयर इज अगर ट्रॉम्बे की बात की जाए तो ये है महाराष्ट्र में। अब ट्रॉम्बे की अगर आपसे स्पेसिफिक लोकेशन पूछी जाए तो ये है मुंबई। ओके, और ये फेमस किस लिए है? ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बार्क सिचुएटेड है। बार्क क्या होता है? भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन को नोबल प्राइज किस वर्ष दिया गया। याद रखिएगा, वेन डिड सीवी रमन रिसीव्ड नोबल प्राइज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1930। 1930 को सीवी रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ही वॉज द फर्स्ट एशियन एज वेल एज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में किस सेक्टर के लिए दिया गया, किस चीज के लिए दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो फिनोमिना है उसको डिस्कवर किया था, साथ ही साथ इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। He was conferred Nobel Prize in the field of physics because of his work on scattering of light as well as the discovery of Raman effect. अब एक और फैक्ट इससे एसोसिएटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सीवी रमन के बर्थडे के लिए सेलिब्रेट नहीं किया जाता, कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 1928 को, मींस 28 ऑफ फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इसलिए 28 ऑफ फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पे सिचुएटेड है। याद रखिएगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड है। अगर बात की जाए पुणे की तो यहां पे है नेशनल केमिकल लैब। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई में क्या सिचुएटेड है या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज सिचुएटेड इन मुंबई, और इसकी खोज की थी होमी बाबा जी ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुणे में है केमिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली में है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसकी खोज की थी होमी बाबा जी ने। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, मींस एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय होम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी ने 1911 में, याद रखिएगा ईयर भी पूछा जा सकता है आपसे, इन द ईयर 1911 ही डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, तो चैडविक जी ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। ओके, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक जी ने। अगर बात की जाए ऑप्शन सी की, तो जे थॉमसन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन जी को जाना जाता है। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड जी ने 1911 में, चैडविक जी ने खोज की थी न्यूट्रॉन की, ये खोज की थी इन्होंने 1932 में। अगर बात की जाए जे थॉमसन की, तो इन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल 6 नोबल गैसेस होती हैं, हमें इनका ऑर्डर पता होना चाहिए, मींस इनका हमें नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहली गैस है हीलियम, हीलियम एक नोबल गैस है। दूसरी आप याद रखिएगा नियॉन। ओके, तीसरी याद रखिएगा आप ऑर्गन। फोर्थ है क्रिप्टन। अगर बात की जाए फिफ्थ की, तो ये है ज़ेनॉन। और सिक्स्थ नोबल गैस है हमारी रेडॉन। तो ये 6 नोबल गैसेस हमें याद होना चाहिए,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी गैस नोबल गैस है या कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले प्लीज आप प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, अंडर द प्लेलिस्ट चेक आप देख सकते हैं। और इससे रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशन एक और बताना चाहूंगा कि यदि आप चैनल से रिगार्डिंग कोई अपडेट चाहते हैं या अगर आप मेरे चैनल में द्वारा अपडेट किए गए कोई भी PDF लिंक्स या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubeMPPSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMPPSC। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक। बाय बाय।